बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फहीम सिद्दीकी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हम मौजूद हैं नाजाबाद का इलाका है ये गोल मार्केट का। ये बेसिकली नाजाबाद की एक नई फूड स्ट्रीट है। सड़क के दाएं और बाएं हर तरफ आपको मुख्तलिफ खाने पीने की चीज़ें नज़र आएंगी। कुल्फी बिक रही है 75 रुपये की। यहाँ पे हैदराबादी शाही सैंडविच भी मौजूद है, 80 रुपए में कम से कम दस्तियाब है सैंडविच यहाँ पर। नागौरी मिर्च सेंटर भी है, ये देखिए 170 रुपए किलो गाय का गोश्त यहाँ पे दस्तियाब, सॉरी 170 रुपए किलो गाय का दूध यहाँ पे दस्तियाब है भाई। इसके अलावा गर्मा गर्म दूध, बादाम, पिस्ता छुआरे वाला दूध भी दस्तियाब है। हर किस्म के फूड आइटम्स यहाँ आपको खाने पीने के लिए मिलेंगे। नई मार्केट शायद बनने जा रही है, सब्जी वगैरह भी दस्तियाब है यहाँ पे। ये सूप बिक रहा है गोल मार्केट का मशहूर मामून मरहबा सूप। कचरे वाला भी भाई टॉर्च लगा के कचरा चुनता है। इसकी फ्राइज SM पब्लिक एकेडमी, बहुत ही मशहूर इलाका है ये, और ये स्कूल भी बहुत मशहूर है। स्टेशनरी की दुकानें भी हैं यहाँ पे, जाहिर है स्कूल है तो स्टेशनरी भी होगा। अभी तो स्टॉल सेट हुए हैं। और डायमंड सुपरमार्केट मौजूद है यहाँ पे। मुख्तलिफ गरम मसाले, मिर्च वगैरह यहाँ पे दस्तियाब हैं। चक्की है बेसिकली ये, और यहाँ कहा जाता है ताजी चक्की, जो कि बहुत खालिश चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। मल्टी ग्रेन आटा शुगर के लिए भी दस्तियाब है सामने। ये है गोल मार्केट बेसिकली, ये है इलाका गोल मार्केट का। ये शुरू हो गई गोल मार्केट, और ये गोश्त रात के वक्त भी दस्तियाब है यहाँ पे। यहाँ पे पिछले दिनों एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हुई थी, काफ़ी बड़ी पैमाने पे ये ड्राइव की गई, इसकी वजह से काफ़ी दुकानें यहाँ पे ख़त्म हो गई, मुर्गी सब्जी वाले की दुकान। गोश्त इस वक्त भी दस्तियाब है। बस देखते जाइए इलाका और जानिए कि रात के वक्त गोल मार्केट में क्या क्या बिक रहा है। ये लो भाई पाए भी मौजूद है। पाए पूछते हैं भाई, पाए की क्या कीमत है? अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, खैरियत? पाए क्या हिसाब दिए? 900 रुपये। 900 रुपये का एक? कौन सा गाय का? और भैंस का नहीं है? भैंस का क्या हिसाब है? 1100 रुपये का है। और ये फेफड़े? फेफड़े 200 रुपये किलो है। 1100 रुपये का एक भैंस का पाया है। जबरदस्त है भाई। ओ यहाँ तो और भी पाए मौजूद है भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हिसाब दिया पाया भैंस का? 1400। कौन सा वाला? ये वाला। और ये जो लटका हुआ है ये भी 1400। और गाय का?
1200 के दो, 1400 रुपए का भैंस का पाया, और चार पाए लेने पे क्या होगा? 5000 रुपए के हो जाएंगे। लो पाया खाना छोड़ दें, मतलब इस वक्त भी तुम्हारे पास इतने पाए जमा हुए हैं, आज कितने पाए बिके? तो हजार का भी, भैंस का ही, भैंस का ये बड़ी भैंस, ये बड़ी भैंस का है। 3.5 किलो का है। अच्छा, ये पाए बन रहे हैं भाई, इसको कैसा दिया पाए भाई? गाय के, गाय के 1600 के दो हैं, 1600 के दो हैं, 1200 के दो हैं, और भैंस के, भैंस के 2000 के दो, 2400 के, 2400 के दो हैं भैंस के पाए भाई। ओह माय गॉड, सुन लिया भाई आप लोगों ने कीमतें, ये हाल है भाई। सुबह मैंने बकरों के पाए पूछे थे तो 1800 रुपए के दर्जन मिल रहे थे। गोल मार्केट में कहा जाता है सबके सबसे सस्ता मिलता है गोश्त और दीगर चीज़ें, लेकिन आपके सामने ही रेट, प्याज आलू वगैरह भी मौजूद है यहाँ पे, क्योंकि रात का वक्त हो गया लिहाजा दुकानें बंद भी हो रही हैं। मकसद ही आपको रात का दिखाना है यहाँ पे कि रात में क्या क्या बिक रहा है यहाँ पे। आलू कैसा दिया भाई? आलू, आलू भाई, हाँ, आलू 80 रुपए किलो, 70 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, और ये प्याज, प्याज 220 रुपए किलो, 220 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। क्या हो गया भाई? ₹800, 8000 रुपए मन है आलू नहीं, प्याज मिले, प्याज 220 रुपए, सही नहीं आ रही, सही नहीं आ रही। क्या मतलब सही नहीं आ रही? ये बाहर से आ रही है ना। कहाँ बाहर से आ रही है? बाहर मुल्क से। कौन से मुल्क से आ रही है? टमाटर के क्या लगे? आलू कम से कम 50 रुपए किलो है। ये अभी फसल यहाँ की आलू है ना, हाँ। सस्ता इसलिए सस्ता है, ये पंजाब का है, अभी आलू शुरू हो गए ना, इसका आलू सस्ता हो गया। प्याज बाहर से। और ये खीरा क्या हिसाब है? खीरा क्या हिसाब है? 80 रुपए किलो। सुना भाई, प्याज 220 रुपए किलो है यहाँ पर। चले फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई, तुम्हारा नाम क्या है? फैसल। मोहम्मद फैसल, क्या हिसाब दिया ये वाला? वो जो आलू रखा है वो क्या हिसाब है? वो ईरानी आलू है, 100। दिखाओ जरा ईरानी आलू कैसा होता है भाई, पेचकस दे। इसमें डालो ना बर्तन में, अपने डाल के दिखाओ, ईरानी पहले उन्हें दे दो ना, वो इसे भर तो लो, थोड़ा भर के दिखाओ ना, ऐसे ही दिखाओगे। हाँ, हाँ भाई, क्या कौन सा आलू है ये? ईरानी आलू, ईरानी। क्या हिसाब है? 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो। और कौन सा आलू है इसके अलावा? और ये आलू है, ये वाला, ये वाला, ये क्या हिसाब है? ये 70 रुपए किलो। 70 रुपए, ये नया आलू है। कहाँ का आलू है ये? ये पंजाब का नया आलू। और ये अदरक क्या हिसाब है? अदरक 150 रुपए। लहसुन, लहसुन भी 150 रुपए। 150 रुपए पाओ। लेमू जनाब 220 रुपए किलो है। लेमू क्या हिसाब है? लेमू 60 रुपए। और टमाटर? टमाटर 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो। और ये वाली प्याज क्या हिसाब है? ये वाली प्याज 200 रुपए किलो है। 200 रुपए किलो। ये आलू जो नीचे पड़ा हुआ है ये 60 रुपए किलो है, ये 80 रुपए किलो है। कौन सा 60 रुपए? वो सफेद वाला 60 रुपए। ये 60 रुपए। और ये 80 रुपए। ये 80 रुपए किलो लाल आलू। और ये भी ईरानी आलू 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो। ये वाली प्याज क्या हिसाब फाइनल करोगे? ये सर 200 से कम कुछ नहीं होगा। 200 से कम कुछ नहीं होगा। अरे नहीं, 200 रुपए किलो, 200 से कम नहीं होगी। पाकिस्तानी प्याज है? बिल्कुल पाकिस्तानी प्याज। और बाहर की कौन सी? बाहर की कोई प्याज, बाहर का आलू है ईरानी। बाहर का आलू है ईरानी। और वो देसी लहसुन क्या हिसाब है? 150 रुपए पाओ। 150 रुपए पाओ। सुना आपने, चले आगे बढ़ते हैं, मजीद रेट जानते हैं। जी व्यवस्था आपने जाने, यहाँ पे सब्जी के रेट क्या हैं? गोल मार्केट में सब्जी 220 रुपए किलो दस्तियाब है।
आगे बढ़ते हैं, कुछ और दिखाते हैं गोल मार्केट की सूरत हाल। मुर्गी सब दिख रही है, तेल की दुकान, बट वगैरह भी यहाँ भी पाए वाए टंगे हुए हैं। सब दुकानें हुआ करती थी जो कि खत्म हो गई हैं। दिन के वक्त में यहाँ से गुजरना महाल होता है क्योंकि बेतहाशा रश होता है यहाँ पे। खासी फूड की जगह पे आप देख रहे हैं बिरयानी वगैरह दस्तियाब होती है यहाँ पे। कितने खूबसूरत तरीके से फलों को सजाया हुआ है ठेलों पर। ये इब्राहिम पकवान सेंटर, और ये मस्जिद आ रही है गोल मार्केट की। ये एक और फल की दुकान, याद में मस्जिद है सिद्दीक अकबर मस्जिद। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो पे किसी और मुकाम से। मुझे इजाज़त दें, अस्सलामुअलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।